हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, समान हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं, तो आप अंतिम समय में इन क्वेश्चन को जरूर देखें। ये सीरीज़ जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक हम करवाएंगे, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमने पहले भी करवाए हैं कनिष्ठ सहाय के लिए, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पर जाइए, देखिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने एल्बुक पब्लिकेशन का लास्ट डेज प्रिपरेशन नोट्स नहीं खरीदा कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए, तो देर न करें। कीमत मात्र 59 रुपये है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। जो आपको पेड कोर्सेज में मिलने वाला था वो यहां पर आपको 59 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। 3000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो आप एग्जाम के आखिरी समय में जरूर देख के जा सकते हैं। वैसे में बहुत सारा कंटेंट था जो आपके लिए पढ़ने के लिए था। इसमें सारे सब्जेक्ट थे, 23 मॉक टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है इसमें। तो इसका लिंक मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया इस वीडियो के, वहां से इसको परचेज करके पढ़ना स्टार्ट करें। जितना भी समय बचा है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन यहां से देख के जाएंगे, तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिट आपको यहां से मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिसको भी खरीदना है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से के ले सकता है। चलिए, और कुछ बच्चे यहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे कि सर क्वेश्चंस बहुत छोटे दिखते हैं, तो आज मैं जूम करके आपको पढ़ाऊंगा और फिर आप लोग बताइएगा कि इस बार आपको अच्छे से दिख रहा था क्वेश्चंस कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इतने पे शायद ठीक है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, देखिए हिंदी परिज्ञान एवं लेखन का। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, अवधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवधी भाषा जो है यहां पर, वो आधुनिक भारत भाषा का जो विकास है वो सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बाकी जो आपका है ये तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कॉमेंट करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 2 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए वाड्मय, ठीक है, वाड्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? काफी बार ये शब्द पूछा जाता है दोस्तों। 3 नंबर का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, वाक्धन मय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाक्धन मय बराबर वाड्मय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल जो शब्द दिया गया इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। 4 नंबर का राइट आंसर दीजिए। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, विसर्ग संधि, निश्चल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका निधन छल। ठीक है, निधन छल, तो आपका ये हो जाएगा विसर्ग संधि, आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि 3 सही है, 1 का वर्तनी गलत है। 5 नंबर का राइट आंसर, 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये महात्मा तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका जो वर्तनी है ये गलत है, महात्म लिखा हुआ है। बाकी ये ज्योत्सना, विरहिणी और कवित्री, ये सभी, कवित्री का भी काफ़ी बार पूछा जाता रहा है अशुद्ध वर्तनी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? कौन सी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ऊपर पूछा गया था अशुद्ध वर्तनी और यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। जी हाँ, 6 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। जितने लोगों को आंसर आता है सभी लोग कमेंट जरूर करा करें आंसर बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, वाल्मीकि, वाल्मीकि जो है ये आपका बिल्कुल सही और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी परीक्षा में रापापड़ी मानता होता है, भस्म ये सभी गलत है, निरपराधी ये भी गलत है, आपका ऑप्शन ए केवल सही है। अगला देखिए 7 से 9 नंबर तक आपको पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है, तो इसको हम स्किप करेंगे, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। आप पद्यांश या गद्यांश जो भी दिया होता है उसको आप लोग पढ़ेंगे, उसी में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम 9 नंबर से छोड़ते हैं आपको, आगे 10 नंबर से करवाते हैं। देखिए हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, 10 नंबर का राइट आंसर।
तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, अल्पविराम। अल्पविराम हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, यानी कि गुण की विशेषता नहीं बताता है, आपको बताना है 11 का राइट आंसर, ठीक है। ग्यारह नंबर का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर दीजिए फटाफट, वेरी गुड। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें दोस्तों, बाद में आप लोग भूल जाते हैं तो अभी आप लोग जरूर लाइक कर दें, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन से है दोस्तों, दूसरा जो है दोस्तों ये गुणवाचक का विशेषण नहीं है, बाकी मोटा, पुराना, काला ये गुण है, ठीक है, बाकी जो दूसरा है ये आपका एक गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, 12 का राइट आंसर दें आप लोग, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है यहां पर। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है दोस्तों, यहां पर गरीब जो है आपका अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं, यानी कि तीन शब्द ऐसे हैं जो समूहवाचक संज्ञा है, एक ऐसा नहीं है जो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, तूफान। तूफान जो है आपका ये आपका सभा हुआ, दल हुआ, गिरोह हुआ, ये समूहवाचक है, ठीक है, और जो तूफान है ये आपका समूहवाचक संज्ञा में नहीं आता है। तो 13 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, तूफान सब समूहवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा होता है, ये भी आपको बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, जो सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से तीन शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं और चौथा नहीं है, तो उसको आपको पहचानना है और जल्दी से कमेंट कीजिए 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही है, जल्दी ली कमेंट करें, वेरी गुड, 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर सही है, दही जो है आपका पुल्लिंग में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, नारी का बहुवचन होगा, नारी का बहुवचन क्या होगा आपको बताना है, 16 नंबर का राइट आंसर। सोलह का राइट आंसर दीजिए, नारी का बहुवचन क्या होगा, तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नारियां जो है ये बिल्कुल सही आपका है बहुवचन नारी का। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कम समय ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अंतिम समय बहुत बहुमूल्य है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है वाक में कौन सा कारक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण आया है दोस्तों कारक का, तो 17 का राइट आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों ने कारक अच्छे से रखा है, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है, सभी लोग इसका अभी बाकी सा है, आप लोगों ने कमेंट किया हो या ना कमियों, लेकिन इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर जरूर कमेंट करें, 17 का राइट आंसर, जी हाँ 17 का जो सही उत्तर है जिन लोगों का ना डी ऑप्शन आया है, अपदान कारक बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है अपदान कारक है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं से में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, 18 का राइट आंसर, क्वेश्चन को सही से समझिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, 18 का राइट आंसर। तो यहाँ पर 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, यौगिक क्रिया कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वह क्या कहलाता है।
जल्दी लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, हेतु हेतु मद भविष्य कहते हैं उसको, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। वर्णमाला से दोस्तों काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके हिंदी का क्वेश्चन का वेटेज भी ज़्यादा है, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वर्णमाला से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वर्णमाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला से मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें वर्णमाला से जितने भी प्रश्न अब तक UP SSC ने अपने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं उसकी मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, साथ साथ यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें जितने वर्णमाला पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो मैंने एक वीडियो में बनाया है दोस्तों, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है उसी में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। और कुछ मैंने हिंदी के टॉपिक जैसे समास हुआ, संधि हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, तद्भव तत्सम हुआ, इनके भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन UP SSC ने पूछे ऐसे टॉपिक वाइज मैंने वीडियो अपने नए चैनल BTopper 2.0 पे अपलोड कर रखे हैं, जिसका लिंक मैंने न्यू चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर वीडियो जो अपलोड है उसको जरूर देखें। 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही है, यार अलावा जो है आपका ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है। 21 का राइट आंसर दें आप लोग, जी हाँ 21 का सही उत्तर, 21 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नी का मतलब होता है निषेध या विशेष या फिर अभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द के बारे में आप जानते ही होंगे, तत्सम मतलब जो संस्कृत शब्द से जो कहता हूँ अभी बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, ठीक है। स्वर्ण, स्वर्ण क्या है आपका जो है वो तत्सम है, क्योंकि ये अब आपका तद्भव में सोना सोना कहा जाता है इसको, ठीक है, तो सोना जो शब्द होगा वो तद्भव हो गया आपका, और जो स्वर्ण है ये आपका तत्सम हो गया। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 23, गीता ने आम खाया है, क्या है वाक्य, गीता ने आम खाया है, वाक्य में कौन सा काल है। काल में आपका काफी प्रश्न पूछा जाता है, तो बताएं 23 का राइट आंसर, तेईस नंबर का सही उत्तर, 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, आसन्न भूत, ठीक है, क्या हो जाएगा आसन्न भूत यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थानवाचक अव्यय है। स्थानवाचक अव्ययों की पहचान करना है आपको, 24 का राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों 24 नंबर का राइट आंसर दीजिए, 24 का सी ऑप्शन सही है, यहाँ यहाँ जो है ये एक स्थानवाचक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, यथासंभव, क्या है यथासंभव में कौन सा अव्यय है। 25 का राइट आंसर दें आप लोग, पच्चीस नंबर का राइट आंसर क्या है, 25 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है यथासंभव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अब इनमें आपको तद्भव पहचानना है, छब्बीस का राइट आंसर दें फटाफट, छब्बीस का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा, ठीक है, अमीय। अब देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो अक्सर बोला नहीं जाता है, ठीक है, अमीय जो शब्द है शायद ही बोला जाता है, तो यहाँ पर बच्चे इसको सोचेंगे ये तो तत्सम है, लेकिन ये तद्भव है दोस्तों, और इसका तत्सम जो होता है वो अमृत होता है, अमृत का ये तद्भव होता है अमीय, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, मुझसे बैठा नहीं जाता है जाता मैं कौन सा वाच्य है। 27 का राइट आंसर दीजिए फटाफट, मुझसे बैठा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है, जल्दी जल्दी कमेंट करें 27 का राइट आंसर। जी हाँ 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, भाववाच्य, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता एक भाव प्रकट कर रहा है यहाँ पर, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो ऐसे शब्दों में ऐसे वाक्यों में आपका भाव प्रकट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, नयन, नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 28 नंबर का सही उत्तर दीजिए,
28 का राइट आंसर, जी हाँ 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, अन, नयन में अन प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, बताएं विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, 29 का राइट आंसर, ट्वेंटी नाइन का डी ऑप्शन सही है, वैचारिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है, 30 का राइट आंसर, तीस नंबर का राइट आंसर, 30 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों, सारा राज्य उसके लिए थती था, क्या था, थती, तो यहाँ पर 30 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो ए में आपका जो वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, ये आपका गलत है, ठीक है। देखिए मैं आपके स्थान पर आपके, एक सेकंड, हाँ आपका ऑप्शन ए यहाँ पर जो है ये सही है, शुद्ध पूछा जा रहा था दोस्तों, ठीक है, आपका शुद्ध यहाँ पर पूछा जा रहा था, शुद्ध वाक्य, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, सारा राज्य उसके लिए थती था, तो ए ऑप्शन आपका सही है, बाकी अब मैं बी में सी में और डी में सभी में त्रुटियाँ हैं, ठीक है। जैसे बी में अगर बात किया जाए तो विकल्प बी में आपका आपका के स्थान पर आपके आना चाहिए, यानी कि जो आपका यहाँ पर आपका आया है यहाँ पर आपके आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका सी में देख लीजिए, जब तक आप कमी नहीं समझ पाएंगे तब तक आप वाक्य शुद्धि नहीं समझ पाएंगे। थर्टी में देखिए, सी में आपकी के स्थान पर आप पर होना चाहिए था, ठीक है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ नहीं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जगह पर आप पर होना चाहिए। डी ऑप्शन में देखिए कहाँ त्रुटि है, मैं प्रकार का तथा होता का प्रयोग होता अनावश्यक है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रकार का और तथा का ये जो है आपका ये अनावश्यक है, होता है, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है, विशेष शब्द नहीं है, अब विशेष के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द को ले लीजिए, ठीक है, जैसे कुत्ता काला है, तो जो कुत्ता हुआ दोस्तों वह विशेष हुआ, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है, जो काला है वो उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है, ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विशेष किसे कहते हैं और विशेषता किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विपन्न, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए, 32 का राइट आंसर दें। देखिए यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वो दिया गया है यहाँ पर चार सेंटेंस में, ठीक है, तो आपको सबका एक वाक्य दिया गया है, उसके एक वाक्य में जो शब्द है वो होता है वो दिया गया है यहाँ पर, तो कौन सा संगत है बताना है, 32 का राइट आंसर। जी 32 में जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जो है यहाँ पर ये जो जिज्ञासा है ये गलत है, जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका 32 का वो आपका सही है, जबकि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जानने की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु हो जाएगा, समझ गए ना आप लोग, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, तो यहाँ पर आपका जिज्ञासा गलत प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से रासभ किसका पर्यायवाची शब्द है, 33 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से रासभ जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है बताना है आपको, थर्टी थ्री का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर, 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गधा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है, 34 का राइट आंसर दीजिए आप लोग, चौंतीस नंबर का सही उत्तर, 34 का बी ऑप्शन सही है, प्राची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युक्त संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है, 35 का राइट आंसर दीजिए,
एक सेकंड। जी हाँ, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही है, जड़ और स्थावर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, धीरे धीरे में कौन सा समास है। 36 का राइट आंसर दीजिए, धीरे धीरे में कौन सा समास है। थर्टी सिक्स का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर सही है, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, 37 का राइट आंसर दीजिए, किस समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। सैंतीस का राइट आंसर फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही है दोस्तों, द्विगु समास में संख्यावाचक होता है पहला पद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, देखिए राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है। 38 का राइट आंसर क्या है बताएं जल्दी लिए आप लोग। थर्टी एट का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यहां पर सही है, संज्ञा उपवाक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए अब मैं क्या करूंगा इस वाक में कौन सी वृत्ति है। 39 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, संभावनार्थक वृत्ति है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर विधिवाचक वाक्य की पहचान करना है। 40 नंबर का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम खा चुके। ठीक है, ये आपका जो है विधिवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से। 41 का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा जल्दी लिए कमेंट करें आप लोग। 41 का सी ऑप्शन सही है दोस्तों, यह काम आप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है। 42 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची होता है, अनल कृषाणु और धूमकेतु ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है बताना है। 43 का राइट आंसर, फोर्टी थ्री का क्या हो जाएगा, 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से युक्त विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। 44 का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, तिमिर प्रकाश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 में क्या कह रहा है आपका, शब्द युग्म अभिराम और अविराम के अर्थ क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, तो दो आपको यहां पर दिख रहे हैं और दो यहां पर आपको बड़े में दिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा, जी हाँ 45 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, अविराम क्या है, 45 का आपका ऑप्शन बी। एक अविराम जो यहाँ पर लिखा है उसका मतलब सुंदर, और अविराम मतलब यानी कि बिना विराम के जो लगातार चलता हो, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, देखिए कुंडलियाँ किन दो छंदों से मिलकर बनती हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, कुंडलियाँ जो है वो किन दो सब छंदों से मिलकर बनती हैं। 46 नंबर का राइट आंसर, तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 46 का, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा तथा रोहा रोला छंदों से मिलकर कुंडलिया बनता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। 47 का राइट आंसर, 47
47 का क्या है, डी ऑप्शन सही है, सीमित ज्ञान या अनुभव होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए संचारी भावों की संख्या है, 48 का राइट आंसर दीजिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। 48 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही है, 33 होती है संचारी भावों की संख्या। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है लिखित नहीं है, 49 का राइट आंसर। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जो है आपका प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया की पूर्णता और नित्यता या सामान्यता आदि की अभिव्यक्ति क्षमता को क्या कहते हैं। 50 का सही उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर मैं लास्ट यानी अगले वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूछा था वो आपका पद्मा बिल्कुल सही उत्तर था दोस्तों, ठीक है। तो आप 50 का जो राइट आंसर आप लोग का है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 49 क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए ये लोग आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो वहाँ से पड़े हुए हैं, और इस बुक को जिन लोगों ने नहीं खरीदा है लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से परचेज कर लीजिए। और मैंने आज दोपहर में जीके के टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं, उनको भी आप लोग चैनल पर जाके जरूर देखें। थैंक यू सो मच, और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।